कांग्रेस हाईकमांड नूं पंजाब मामले दे नवें इंचार्ज दी नियुक्ति ने पिछले काफ़ी दिनों तो वक्त पाया होया है। शकील अहमद तो बाद कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी वालों जिस चेहरे नूं भी इस अहुदे लई लगाया जाता है वह नियुक्ति तो तुरंत बाद ही विवादों च घिर जाता है, जिवें कि पंजाब कांग्रेस की नवीं लाई इंचार्ज आशा कुमारी भी विवादों च घिर गई है। उन्हां ते जमीन घोटाले का इल्जाम है। इस तो पहला कमलनाथ नूं चौथे दिन ही अस्तीफा देना पिया सी। उन्हां ते सिख कतलेआम के दोष होने करके सिखां वालों वड्डा विरोध किया गया सी। कमलनाथ के अस्तीफे मगरों दिल्ली की सबका मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाँ चर्चा में आया सी, पर उन्हां दा नाँ जल टैंकर घोटाले में गूंजन लगा। इस तो बाद लंघे दिन आशा कुमारी नूं पंजाब कांग्रेस का इंचार्ज लगाया गया है। आशा भी जमीन घोटाले के केस में उलझी हुई है। जमीन हड़प्पण के मामले में अदालत ने आशा कुमारी नूं दोषी ऐलानिया होया है। आशा कुमारी का संबंध हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के नाल है। आशा कुमारी ने अज कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नाल मुलाकात की, उन्होंने नवे उठे विवाद बारे दसिया। कांग्रेस में इस विवाद का नमोशी का सामना करना पै रहा है। उधर भाजपा के सूबा प्रधान विजय सांपला ने भी आशा कुमारी की नियुक्ति से सवाल चुकदा कहा है कि कांग्रेस को साफ अक्स वाला कोई भी नेता नहीं है, जिस करके उन्होंने पार्टी चलाने लिए भ्रिष्टाचार से घिरे नेतावान का ही सहारा लेना पै रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस आज इस मुकाम पर पहुँच गई है कि आज उसके पास कोई भी साफ छवि का व्यक्ति, मैं नेता नहीं कहूँगा, व्यक्ति ही नहीं बचा। नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे करप्शन में लिप्त हैं। चाहे कमलनाथ का विषय आया, आप सब ने जानते हैं कि बाद में उन्होंने स्वीकारा कि ये गलत हो गया, कभी वही उसी को क्लीन चिट दे दी, फिर उसी को दोषी भी मान लिया, और आज जो कल से सुनने में आया आशा कुमारी को लगाया, और जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले मुकदमा भी है और उसको एक साल की सजा भी हो चुकी है। अब वो जमानत पे है, नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे हम सोनिया गांधी जी का देख लें, राहुल गांधी, वाड्रा, जितने मर्जी आप लिस्ट पूरी बना लें, सबके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। और ऐसे आज हम ये कहेंगे कि कांग्रेस जो है वो सी कंपनी बन के रह गई, सी मतलब करप्शन। उधर अकाली नेता सेवा सिंह सेखवा ने भी आशा कुमारी की नियुक्ति से सवाल चुके हैं। जो पहला श्री कमलनाथ जी ने बनाया सी उहदे ते किंतु परंतु होया कि वह जो 84 दे कतलेआम सी उहदे विच उहनां दा नाम शामिल सी, ते वह आप ही वह इस अहुदे तो अस्तीफा दे गए। उदों बाद कांग्रेस पार्टी यह सोच विचार कर रही सी कि किनू इत्थे प्रभारी लाया जाए, लेकिन जिस बीबी नूं हुण इत्थे प्रभारी लाया गया आ उहदे उत्ते भी अपने करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं, और इतों तक कि जिहड़ी जुडिशरी है उन्हें एक साल की सजा भी उन्होंने दी है, तो 8,000 रुपया जुर्माना भी किया होया। एहो जे टेटेंट बंदे नूं जिहड़ा किसी भी सूबे का इंचार्ज लाउणा वह ठीक नहीं, लेकिन मैं ये महसूस करना कि कांग्रेस पार्टी कोल सही छवि वाले बंदे है ही नहीं। उधर कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ ने आशा कुमारी के दामन नूं पाक साफ दस्या है। उन्होंने कहा कि विरोधियों वालों जानबूझ के झूठा प्रचार किया जा रहा है, जदों कि इस नाल लोगों नूं कोई भी फायदा नहीं होएगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने आशा कुमारी के केस स्टे लाया होया है, उन्होंने खिलाफ गिनी मिथी साजिश तहत प्रचार किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष को चाहिए कि आज पंजाब के भविष्य की बात करें, क्योंकि आशा कुमारी जी या कमलनाथ जी या उससे पहले शकील अहमद या मिस्टर चाड़क, कोई भी पंजाब का यहाँ प्रभारी रहा हो, पंजाब कांग्रेस और पंजाब के लोग आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, और उनका जो विश्वास है पंजाब के भविष्य को बचाने के लिए, पंजाब के नौजवानी को सुरक्षित करने के लिए, किसानी को बचाने के लिए, पंजाब को वापस तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह पर केंद्रित है। ये सारी बातें बेमायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।